नमस्कार, मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आप सब हमारे फिल्म जो हम लोगों ने बना के अभी रिलीज के पोजीशन पे आ गए हैं। ये फिल्म भोजपुरी का बहुत ही बड़ा एक पारिवारिक फिल्म है और आप सबके आशीर्वाद प्यार दुलार से और यहाँ की जनता और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने बोला कि सत्येंद्र जी एक फिल्म बनाइए, हम आप सब कलाकारों को साथ देंगे। और यहाँ के जिला अधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सब लोगों को आशीर्वाद प्यार दुलार मुझे मिला और मैं ये फिल्म बनाया हूँ। और ये फिल्म पारिवारिक है, एक्शन है, इमोशन है और हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है। और बहुत ही हम अपने भोजपुरी संस्कृति को देखते हुए हम लोगों ने इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के द्वारा और बहुत ही अच्छे से बनाया है। सत्येंद्र जी, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा तो दब तक कट चुका है और इस दौर में सिनेमा को रिलीज करना एक बहुत बड़ा विषय है, कैसे दर्शकों को सिनेमा हॉल से छूट के जाता है? जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात को पूछा है। ये फिल्म रिलीज करना भी सही बोला है कि कोई पब्लिक नहीं आती है थिएटर तक देखने के लिए, लेकिन हमने कोशिश किया है कि अच्छी फिल्म बना के और अपने दर्शकों को इस फिल्म के जरिए हम चाहते हैं कि आके देखें और एक बहुत ही अच्छा प्यारा और पारिवारिक फिल्म हम लोगों ने बनाया है। और कोशिश किया है कि अपने भोजपुरी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो अच्छे से फिल्म को देखें और बोले कि नहीं, ये फिल्म भी ऐसी बननी चाहिए ताकि हम अपने पूरे परिवार को दिखा सकें। अच्छा, जैसे कि हर एक्टर यही सवाल होता है कि आप लोग आइटम में फिल्म बनाते हैं, अपने फैमिली के साथ आइए, उन्होंने फिल्म को देखिए, मेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, वो ये तो कॉमन बात हो गई। जी जी, लेकिन आपने इस सिनेमा में क्या कुछ खास रखा है कि जब तक आपको देखिए फिल्म कंप्लीट किया मैं तो सबसे पहले मैं अपने पूरा परिवार के साथ मुंबई में देखा। और मैं अगर अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता तो मैं दर्शक को नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं जो भी अभी फिल्म बना रहा हूँ तो मेरा परिवार देखेगा, उस लायक मैंने बनाया है। तभी मैं अपील कर रहा हूँ कि सारे भोजपुरी के जितने भी दर्शक है, गार्जियन है, हमारे जितने भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, माता जी लोग हैं, मेरी पिक्चर को देखिए। हम कोई भी फिल्म गलत वल्गर नहीं बना सकते हैं, ना उसमें मैं काम कर सकता हूँ। मतलब दर्शकों को ये मतलब पहले संदेश होना चाहिए कि सत्येंद्र जी ने फिल्म ऐसा बनाया है कि बहुत बेटियों के साथ, माँ के साथ, बेटों के साथ, भाइयों के साथ बैठ के देखा है। जी जी जी, क्योंकि हमारे इस पिक्चर में हिंदुस्तान के जो बोलते हैं कि IAS अफसर, मतलब कमिश्नर साहब, अभी चीफ एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने काम किया है हमारे फिल्म के सब्जेक्ट देख के। हमारे फिल्म का जो भी है, एक एक कलाकारों से मिलके, डायरेक्टर से मिलके और बहुत सोच समझ के उन्होंने काम किया है मेरे पिक्चर में। तो आप सोच सकते हैं कि एक IAS अफसर अगर फिल्म में काम किया है तो कितना अच्छा फिल्म होगा, चाहे फिल्म की टीम कैसी होगी। हमने कोशिश किया है। एक सवाल बनता है कि ज्यादातर फिल्म अभिनेता अपनी फिल्मों को चाहते हैं कि मैं बिहार से बाहर शूट करूं, खूबसूरत लोकेशन मिलेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में शूटिंग होती है, इस सब्सिडी का भी मामला वहां आ जाता है। लेकिन आपने अपनी फिल्म को गोपालगंज में ही शूट किया, स्थानीय लोगों को काम भी दिया, गोपालगंज में ही शूट किया। सर, मैं जब भी आता था, मैंने इसके पहले 2008 में भी फिल्म किया था और उस समय बहुत दिग्गज बॉलीवुड के बहुत दिग्गज कलाकार को मैंने बुलाया, क्योंकि मैं जब फिल्म में गया था तो बॉलीवुड में ही मैंने काम किया, बाद में मैं अपनी मातृभाषा की लैंग्वेज भोजपुरी में मैं काम किया। तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मैंने जब उस समय 2008 में फिल्म बनाई थी डॉक्टर बाबू, तो मोहन जोशी जी को लाया था, उपासना सिंह, कुणाल सिंह, मतलब अच्छी पारिवारिक फिल्म मैंने उस समय भी बनाया।
और आज गोपालगंज की बनाने की बात हुई तो जितने भी हम आते थे युवा पीढ़ी के लोग हैं, बोलते थे भैया आप शूटिंग कीजिए, हमको काम दीजिए, हमको काम दीजिए। तो मुझे लगता था, पिंच करता था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको एक कुछ अच्छा पहल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन, और मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूंगा शब्द कम है, कि मनोज तिवारी जी जो एसपी थे और अरशद अजीज साहब डीएम थे, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला के बोला कि बाबू आप यहाँ के कलाकार हैं और अच्छा आपने फिल्म किया है, मेरी एक फिल्म देखे थे वो हम के दारू ना मेरारू चाहिए, तो बोले कि आप पिक्चर बनाइए। मैंने बोला सर मैं तो चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ गोपालगंज में पिक्चर बनाऊँ, लेकिन बहुत कम लोग साथ देते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग हैं, आप पिक्चर बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। और बुला के बहुत रिस्पेक्ट उन्होंने दिया, साथ बैठ के खाना खाए, लोकेशन भी उन्होंने दिखाया। बट हमने उन लोग के आशीर्वाद के चलते, उन लोग के जरिए मैं कदम बढ़ाया पिक्चर बनाने की, और उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना में फिर जब सही हुआ तो हम सोचे हम तो काफी पहल आगे बढ़ा चुके थे, लेकिन उन लोग का तबादला हो गया। तो तबादला हो जाने के बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं आप पिक्चर बनाएंगे। फिर यहाँ पे डॉक्टर डॉल किशोर चौधरी जी जो हमारे अभी डीएम हैं, और उसके बाद एसपी साहब थे अनंत कुमार जी, उन्होंने बोला कि नहीं आप फिल्म बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो उन लोग ने आशीर्वाद प्यार दुलार दिया, हमारे फिल्म को क्लैप मारने वाले, मुहूर्त करने वाले हमारे जिला अधिकारी और एसपी साहब और पूरे यहाँ की जितनी भी प्रशासन है और सारे लोग हैं, उन्होंने हेल्प किया, और तो मैंने जाके यहाँ से ये फिल्म बनाया। रंजन जी, इस फिल्म को बनाने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था, और फिल्म में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होता ही है अभिनेता के लिए, निर्माता के लिए, निर्देशक के लिए, इस फिल्म को गोपालगंज में शूट करना, बिहार में शूट करना कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा? देखिए हर कलाकार, हर एक्टर, एक फिल्म जो करता है उसकी पहली फिल्म होती है और बड़ा चैलेंजिंग होता है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है और मैं अपने शहर में अलग अलग जगह पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और ये था कि मैं जिस एक्टर को बुला के लेके आया हूँ, जो एक्टर लोग हैं बॉलीवुड के बहुत, राजप्रेमी जी हैं या निधि जी जो इस फिल्म की हीरोइन है वो आई थी, तो लगता था कि बिहार के नाम, मतलब गोपालगंज का नाम सुन के उनको लगता था कि क्या पता जाएंगे क्या हुआ। लेकिन जब वो लोग ने काम किया, मुझे भी ये था कि कहीं हम लेके चल रहे कुछ ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ के पब्लिक, यहाँ के हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी गोपालगंज शहर के लोग हैं, हमें बहुत प्यार दुलार दिया, और वो लोग का स्टेटमेंट है, उन लोग ने जो बोला है गोपालगंज जिले के सारे लोगों के लिए, वो तो आप लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पर आप सुन ही चुके होंगे। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि हमारे जो भी कलाकार आ रहे हैं और बहुत अच्छा से काम करें और बड़ा मतलब खुश होके जाएं, और डेली चैलेंजिंग था कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करना है, और आप सोच सकते हैं कि मुझे फिल्म बनाना भी है और एक्ट भी करना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण था। और मैं आप सबका आशीर्वाद से और यहाँ के जो भी हमारे सपोर्ट जितना भी मिला, जिलाधिकारी साहब और हमारे एसपी साहब, हमारी प्रशासन के पूरे टीम, आप सबका बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार मिला है, और हमारे जितने भी जो हमारे रिलेशन के लोग हैं, क्या हमारे जो भी भाई लोग हैं, जनता है और दर्शक है, उन्होंने बहुत मुझे कोऑपरेट किया, तो जाके मैं पिक्चर कंप्लीट किया। फिल्म बस 26 तारीख को रिलीज है, इसी 26 को रिलीज है, 26 मई को। आप सबका आशीर्वाद प्यार का जरूरत है सर। देखिए हम तो बिहार के चाहते कि जितना बिहार झारखंड जितना मिल जाए, हम अभी सोचे कि 10 से 15 सिनेमा घरों में रिलीज करें, जितना मिल जाए। काफी और भी पिक्चरें हैं, भोजपुरी का ऐसा होड चल रहा है कि अच्छी पिक्चर होगा तो ही लोग लगाएंगे, उससे भी नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश है जितना से जितना थिएटर मुझे मिल जाए। ऐसे भी दो दिन पहले क्लियर होता है। गोपालगंज के लोग
सरस्वती टाकीज में देखे, गोपालगंज के शहर की सबसे अच्छा मल्टीप्लेक्स है, यहाँ देखे, और एक ही सिनेमा हॉल है और बहुत अच्छा हॉल है। तो 26 तारीख को हम लोग, आप सब भी आमंत्रित है, सारे लोग आए, अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दें, और बहुत ही एक अच्छी फिल्म बनाने का मैं कोशिश किया हूँ और करता भी रहूंगा। भोजपुरी में जो फिल्म लगा, देखिए इस फिल्म से मैं उम्मीद बहुत लगा के बैठा हूँ कि ये फिल्म जो हमारे परिवार के बीच की है, हमारे भोजपुरी जो माटी का सुगंध है, हमारे समाज की फिल्म है। हमने अपने समाज को, अपने दर्शक को एक एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छा दिशा निर्देश दिखाने के लिए हमने ये फिल्म को बनाया है। देखिए हर आदमी के लाइफ में भूचाल है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, किसी को अच्छा पढ़ लिख लेके नौकरी नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, मतलब बहुत सारी चीज, उसके लिए पिक्चर को देखना पड़ेगा। तो ये भूचाल टाइटल ही है, और किसी भी चीज का टाइटल के कारण बनाया जी फिल्म में भूचाल का मतलब देखिए मैंने बोला ही, अब जब देखेंगे, देखिए हर आदमी की लाइफ में एक भूचाल आता है, हम कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, और जब होता है तो उसके ऊपर कहर बरसा दिया जाता है। तो सुरेंद्र जी आपकी बहुत बहुप्रतीक्षित फिल्म भूचाल, जिसके लिए आपने काफी मेहनत की थी, और रिलीज जो है 26 तारीख को लोगों के बीच आ रही है। चर्चा है कि और भी फिल्में लाइन में लगी है लगातार, क्या सच है? जी जी जी, अभी इसके बाद तुरंत मेरी फिल्म आ रही है गंगा किनारे परदेसी, उसमें ये भी बंसल प्रोडक्शन का मैंने काम किया, जिसमें तनुश्री हीरोइन है और अलीशा अली खान है, और बॉलीवुड के बड़े एक्टर शाहबाज खान जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, मतलब हमारे इंडस्ट्री के बड़े अच्छे से कलाकार हैं। बहुत बड़ी फिल्म बनी हुई है और वो भी पारिवारिक फिल्म है, हम 4 स्टेट में उसको शूट किए हैं। सर आपके ठीक बगल में फिल्म निर्देशक अनिकेत मिश्रा जी भी हैं, कई सारी फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं, खुद भी एक लंबा अनुभव रखा है। सर आप फिल्म भूचाल के सेट से लेकर पैकअप तक मौजूद थे, फिल्म कैसी बनी है, क्या दर्शकों के बीच क्या कुछ मैसेज जाएगा, क्या कहेंगे? जी यह फिल्म गोपालगंज की धरती पर बनी है और काफी बेहतरीन फिल्म बनी है। सत्येंद्र जी मेरे काफी करीबी मित्र हैं और हम लोग एक साथ कई फिल्मों में काम भी किए हैं। इस फिल्म में भी मैं एक छोटा सा अभिनेता के तौर पर काम किया हूँ, एक मुख्य अतिथि कलाकार के रूप में हमने इसमें काम किया है, और इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन में भी काफी सारा हमने सहयोग किया है, और यह फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और सबसे बड़ी चीज है कि गोपालगंज की समस्याओं को इस फिल्म में दर्शाया गया है, क्योंकि गोपालगंज एक तरह से देखा जाए तो गंडक एक बहुत बड़ी समस्या है जो गोपालगंज वासियों को परेशान करती है, और इस फिल्म में गंडक की समस्याओं से जुड़ी हुई कई तरह की क्राइम जो जिले में होती है, उन सब चीजों को भी इसमें काफी बखूबी तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि गोपालगंज के बहुत सारे कलाकारों को इसमें काम करने का अवसर मिला है, ऐसे गोपालगंज में एक्टर तो सत्येंद्र जी हैं और भी हमारे पंकज भैया बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन गोपालगंज के कलाकारों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत संघर्ष करके यहाँ के कलाकारों को मुंबई में जगह बनानी पड़ती है, यहाँ इस जिले में निर्माता की कमी है, यहाँ के लोग पूंजीपति तो हैं लेकिन सिनेमा में रुचि नहीं दिखाते हैं, जिसके वजह से यहाँ के कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो सत्येंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामना है और काफी हिम्मत का इन्होंने प्रयास किया है कि यहाँ के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने अवसर दिया है इसमें काम करने का। और भोजपुरी फिल्म की जहाँ तक बात है तो इस समय थोड़ा मार्केटिंग का तरीका बदल गया है, फिल्में नुकसान में नहीं जा रही हैं, हम लोग भले देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, लोग सिनेमा हॉल में नहीं जा पा रहे हैं, ये एक बाहरी दुनिया देखने को मिल रही है, लेकिन सिनेमा अंदर अंदर चल रहा है, आज दर्शक जो है हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, घटे नहीं है, लेकिन दर्शक क्या हो गया कि मोबाइल पे फिल्में देखते हैं और मोबाइल पे कितना लोग देखा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन रिकवरी फिल्मों का होता है क्योंकि मोबाइल के लिए भी राइट्स बेचे जाते हैं, यूट्यूब के लिए, सेटेलाइट के लिए, ये सब राइट्स जो है ये बिकते हैं, और एक आपको फिल्म का लगभग 100% या उससे प्लस ही पेमेंट जो है आपको सोशल मीडिया के ही राइट से मिल जाता है। तो सिनेमा हॉल में जो फिल्में चलती हैं वो एक तरह से प्रॉफिट है, मतलब एक ब्याज के तरह से आप देखिए,
निर्माता को नुकसान नहीं होता है। तो दर्शक का तरीका बदल गया है, दर्शक देख तो जरूर रहे हैं फिल्मों को, इंटरटेन और ज्यादा बढ़िया तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे अपने घर में कर लेते हैं। तो ये हम लोग को देखने करते हैं जी, स्थानीय कलाकारों को मौका, आगे भी फिल्में करने की आपने बात कही है, क्या स्थानीय कलाकारों को फिर से काम मिलेगा? डेफिनेट, जब तक मैं अगर यहाँ फिल्म बनाऊंगा बिहार में, तो मैं बिहार के कलाकारों को भी दूंगा और अपने जो जिला के जो भी कलाकार हैं मैं उनको जरूर मौका दूंगा, क्योंकि आज माता रानी ने, थावे वाली माई ने, आप सबका आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं किसी भी कलाकार को एक जो जैसा है वैसा कलाकार अगर जिस रोल में फिट होता है उसको जरूर मैं काम दूंगा, ये मेरा वादा है और मैंने कोशिश किया पूरा करने के लिए। और दिल से यहाँ फिर धन्यवाद दूंगा धर्मेंद्र कुमार जी जो बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है इस फिल्म में, उन्होंने सहयोग किया है, और सबीर भाई है और प्रदीप जी है, और दिल से इस फिल्म को बनाने में मिंकू सिंह रालसन होटल, मिंकू भाई ने जो पहला नींव और पहला जो बात बोला और जो हौसला उन्होंने दिया तो मैं पिक्चर किया, और हमारे अभी माननीय बड़े भाई जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं श्री सुभाष सिंह जी, उन्होंने बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार दिया, और मैं ज़्यादा भीतभेड़वा गांव में शूट किया हूँ और पूरा फिल्म मैंने गोपालगंज के हर लोकेशन पे शूट किया, चाहे वो हथुआ से लेके और डुमरिया घाट तक। बिहार में फिल्म सिटी और बिहार में सब्सिडी को लेकर, सर देखिए बिहार में फिल्म सिटी और सब्सिडी मैं क्या बोलूं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, नहीं बोलना चाहता हूं कि हम लोग सबसे ज्यादा बिहार के एक्टर हैं और बड़े दिग्गज कलाकार हैं, सुपर स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, और विडंबना है कि मैं भी बिहार से आता हूं और इस चीज को सुन के मैं प्रताड़ित होता हूं। मैंने अभी हाल ही में फिल्म किया मनमोहिनी उत्तर प्रदेश, मेरी अभी शूटिंग कंप्लीट हुई है, मनमोहिनी फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, आर विजन बहुत बड़ा चैनल कंपनी है, उसका पिक्चर मैंने किया, तो वहां सब्सिडी मिल रहा है, वहां फिल्मों की होड लगी हुई है, और यहाँ हमारे मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या बोलूं सोई है, कुछ नहीं कर रही है, कोई हौसला नहीं बढ़ा रही है कलाकारों को, और दुर्भाग्य यह है कि बिहार के कलाकार को उत्तर प्रदेश में जब शूट होता है तो वहां जो वहां के कलाकार हैं उनको काम मिलता है। तो इस पे मैं नहीं चर्चा करूंगा कि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, हम कलाकार हैं हमको काम करना है और करते रहेंगे। गोपालगंज से चल के मुंबई जी जाकर और वहां पे इतने बड़े मतलब प्रोजेक्ट का मतलब गठन कर पाना, मुश्किल रहा कितना आसान रहा सर? संघर्ष तो बहुत किया, एक अभी क्या बोलूंगा, जब मुंबई में पहुंचा था तो धरती और आसमान था, मेरा कोई नहीं था वहां पे, और एक जिसका कोई है ही नहीं, जिसका एक व्यवहार है, जिसका माँ का आशीर्वाद है, और वो आदमी मुंबई शहर में पहुंचा माया नगरी में जहां कोई नहीं है, वहां एक पहचान बनाना, आज मैं कभी सोचा नहीं था कि हीरो बनूंगा, और मेरा मेहनत आप सबका प्यार आशीर्वाद, और सबसे बड़ा दिल से मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे बहुत जलील किया, बहुत जलील किया, जब जब उन्होंने जलील किया मैं आगे बढ़ा, बहुत कमेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बयां नहीं करता, उनको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि अगर वो लोग मुझे जलील नहीं किए होते तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। जी जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। ये पिक्चर मैं शुरू से, जब पहले इस पिक्चर के डायरेक्टर थे अनिकेत सर, उसके बाद से जब तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे सब चीज कहानियों पे एक एक चीज पे बैठ के हम लोगों ने पूरा मंथन किया, उसके बाद से हम लोग ये सोचे कि चलो भाई ये भूचाल है और गोपालगंज में जब हमको करना है, हम लोग बिहार से हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने बिहार के सभी कलाकार को हम लोगों ने उसमें काम दिया है भूचाल में,
और भूचाल वाकई में बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। सबसे यही अपील करूंगा आप लोग जाके एक बार देखिए भूचाल को, कि भूचाल एकदम सच में भूचाल है। अपने हीरो के काम से कितना संतुष्ट है? मैं तो 100% संतुष्ट। क्या फिल्म मतलब? अभी तक 3 पिक्चर कर चुका हूँ इनके साथ में और आगे भी 10 पिक्चर और करूंगा इनके साथ। गोपाल गंज में जब शूटिंग चल रहा है लोगों ने उत्साह की है, आप बताएंगे कितने इसमें गाने हैं, लोग चाहेंगे इस गाने को सुन करना अपना फेवरेट भी होगा ना? जी जी, वाह मनीष जी, बहुत अच्छा बात पूछे। इस फिल्म में 7 गाने हैं और मनीष जी आप शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। फर्स्ट हमने जब मुहूर्त किया था तब से आप हैं और आज रिलीजिंग के कागार पे है तो भी आपने आके आशीर्वाद प्यार दुलार दिया। 7 गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही रोमांचक गाने हैं और गाने बहुत अच्छे हैं। हमारे फिल्म के गाने जो है वो अश्लील नहीं है, फिल्माया गया है बहुत अच्छे से। इस फिल्म के कोरियोग्राफर जो है जो इंडिया के सबसे टॉप डांस मास्टर में, जिन्होंने अमित जी को नचाया है, धर्म जी को नचाया है, विनोद खन्ना जी को नचाया है, राजेश खन्ना जी को नचाया है, समझ लिए कि अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान से अक्षय कुमार कोई ऐसा नहीं बचा, बॉबी देओल, सनी देओल कोई नहीं बचा, आमिर खान तक उन्होंने नचाया। वो मेरे गार्जियन पप्पू खन्ना जी मुझे बेटा मानते हैं, वो इस गाने को स्पेशली मुंबई से चल के गोपालगंज आके उन्होंने गाने को फिल्माया है। तो गाना और अब क्या बता सकते हैं, आप देख के बताइए कि गाना कैसे बना है। और ये तो जो हमारी आवाज में सुनेंगे तो हमारा तो टूटा फूटा आवाज है। इस फिल्म में दिलू जी ने गाने गाए हैं, इस फिल्म में एक सिंगर ये है, इन्होंने गाना गाया है। तो ये हमारे हर फिल्म में यहाँ की बहुत अच्छी स्वर कोकिला बोले प्रियंका सिंह जो है वो हमारे हर फिल्म में 2-3 गाने प्रियंका गाती है। इसमें भी प्रियंका का 3 गाने हैं और इसमें आलोक कुमार के गाने हैं, मोहन राठौर का गाने हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे सिंगर हैं, वो सब गाने को गाए हैं। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ उनका जो प्यार अपनापन और जो साथ मिलकर उन्होंने काम किया तो मैं बहुत खुश हूँ। एक और लड़की है यहाँ गोपालगंज की जिसको मैं पहला काम दिया इस फिल्म में, जिसका नाम है शिल्पी रघवानी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, कल भी उससे बात हुआ कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हर बड़े सिंगर के साथ में वीडियो बना रही है और एज ए हीरोइन बन के भी आने वाली है, वो चाहे खेसारी हो या पवन हो, अंकुश राजा, सबके साथ वो काम कर रही है। जरूर जिस डेफिनेट जिस लायक जो होगा, अभी मैंने काम किया मनमोहिनी फिल्म कुशीनगर में, तो यहाँ से बहुत सारे कलाकार गए थे, उनको काम दिया और यहाँ से बहुत सारी मतलब ग्रुप गया था डांस का, वो लोग भी काम किए। बहुत खुशी होती है कि एक तो अपनापन सा लगता है और जो जैसा बोलो वैसा वो लोग करते हैं, डायरेक्टर की बात सुनते हैं, हमारा भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के जो भी कलाकार काम किए और अच्छे कलाकार बन के उभरेंगे जरूर, क्योंकि देखिए जो नया, देखिए हर आदमी नया, मैं भी सीख रहा हूं और सीखता ही रहूंगा। तो जिसको काम करने का उत्सुकता होता है, चाहत होती है, लगन होता है, वो दिल से काम करते हैं। और अच्छा, बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का और आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भैया का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे अंदर ऐसे कलाकार को देखा और मुझे आगे किया, पुश किया और इस फिल्म में मैंने काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी जो फिल्म बन रही है भोजपुरी फिल्म, जितने इसमें बहुत ज़्यादा वल्गरिटी आ चुकी है जिसके वजह से लोग फिल्म नहीं देखना चाह रहे, परिवार के साथ नहीं बैठना चाह रहे, नहीं देखना चाह रहे हैं, गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस फिल्म की ऐसी खूबी है कि इस फिल्म में पूरे पारिवारिक फिल्म है, एक पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, अच्छे गाने हैं। दिलू बाबू ने गाना गाया, बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है वो, मैं बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा कुछ आप लोग जाके देखेंगे तो और अच्छी 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 मतलब ये रहे। हमारे बीच में विनय भैया भी है, एक युवा चेहरा है, लोग भी भाई
सबसे पहले तो गोपालगंज के लिए मतलब सतेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो गोपालगंज ऐसे जिला में आके अपना कीमती समय दे के यहाँ के लोकल मतलब लोकल लोगों के लेके कलाकारों को लेकर एक बहुत बड़ा फिल्म बनाया और उस फिल्म को जो आज रिलीज कर रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि गोपालगंज के पूरे गोपालगंज की जनता जो है एक सपोर्ट करके और गोपालगंज के जैसे ये मुंबई में राज कर रहे हैं वैसे गोपालगंज के पिक्चर हॉल में जो 26 तारीख को रिलीज हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके और बहुत से सपोर्ट करें। सर, लास्ट एक क्वेश्चन है जी, जो फिल्म आप बना रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, जो भी मैं पिक्चर करता हूँ वो समाज के लिए करता हूँ, समाज का एक आईना है। कुछ ना कुछ हमारी फिल्म जो हमारे बीच की हमारे पारिवारिक मसले को दर्शाता है और उसको क्या बोले वो देखने के बाद पता चलेगा कि ये हमारे परिवार का हर आदमी का एक एक समस्या है जिसको ये हल करता है। इस फिल्म को लेकर के सेंसर बोर्ड में आपको क्या चैलेंज फेस करना? बहुत बड़ी और अच्छी बात पूछे है। इस फिल्म को लेकर मुझे सेंसर बोर्ड में कुछ भी नहीं करना पड़ा है, मेरा कोई फिल्म में भी कट नहीं मिला, मेरा कोई सीन में सेंसर बोर्ड ने कुछ ऐसा नहीं दिया। एक थोड़ा सा डायलॉग था जिसके लिए उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसको एक म्यूट कर दीजिए, बाकी मेरा एकदम साफ सुथरा और यूए सर्टिफिकेट मिला है और सारे जितने भी 5 जूरी बैठे थे, जज लोग बैठे थे, बहुत खुश हुए और बोले कि अच्छी फिल्म बनी है। तो मैं वहां से मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैंने एक अच्छा प्रयास किया था। मुझे डर था कि मेरे फिल्म में एक्शन है, मेरे फिल्म में ऐसा है, कहीं कट मिल जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं घबराया हुआ था कि फिर से शूट करूंगा, ये करूंगा, तो बड़ा थोड़ा सा डर था। लेकिन जैसे मैं भी बैठ के देख रहा था और अलाउ वहां नहीं है, मैं जो थिएटर में जो पीछे से जो चलता है मशीन प्रोजेक्टर उसके पीछे मैं बैठ के आग्रह करके मैं बैठ के देख रहा था, तो बहुत अच्छा और दिल से महसूस हुआ कि नहीं, कुछ अच्छा बना है। सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है, आप जब भी फिल्में बनाते हैं तो महिलाओं को बड़ा आकर्षित करने वाली कहानी है। आपने बनाया था हमके दारू ना मेहरारू जाए, उस फिल्म से एक मैसेज दिया समाज में कि शराब एक बहुत ही गलत चीज है, इसे समाज से दूर होना चाहिए, हर परिवार के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज दिया था। महिलाओं ने बड़ा पसंद किया था उस फिल्म को, हम सब ने भी देखा था और एक बड़ा मैसेज था उसको, क्या इस फिल्म से भी कोई बड़ा मैसेज दे रहे हैं? जी देखिए, हम जिस भारत माता भारत देश के हैं, माता सीता जी मतलब जो भी बोले, हम इसीलिए है कि हमारी जो हम अपने लक्ष्मी अपनी माँ बहन और को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इज्जत नहीं करेंगे और सम्मान नहीं देंगे तो फिर जीना बेकार है। तो मैं एक अच्छा ये कोशिश करता हूं कि जो भी है जिस तरह है, मैं कुछ किसी के नजर में मतलब ये ना लगे कि यार ये एक्टर होने के बाद में ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है, तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं सम्मान करता हूं नारी माता बहनों का और करता ही रहूंगा। मेरी हर फिल्म में आप देखिएगा वो है, अभी मैंने मेरे घात में भी है जो आप डायलॉग आप देखे हैं और जो भी है मनमोहनी भी वैसा ही पिक्चर जो आप अभी आप लोकेशन पे आए थे और ये भी पिक्चर है तो वैसा ही है और जो करूंगा वो अच्छा ही करूंगा। अंत में जितने भी दर्शक हैं जो 26 तारीख को सिनेमा घरों पर जाकर आपकी फिल्में देखने वाले हैं उनसे क्या होगा? सब केहू के हाथ जोड़ के विनती नम्र निवेदन करता नहीं, हम सत्येंद्र सिंह आप सबके घर के बेटा, आप सबके हम कोनो हीरो ना है, कोनो कलाकार ना है, हम आप सबके बीच के एक युवा है और हम बहुत अच्छा कुछ करे की कोशिश कैले बानी और पारिवारिक फिल्म एक समाज के एक आईना एक अच्छा चीज अपने मिट्टी से जुड़ल चीज के दर्शावे के कोशिश कैले बानी। इस सब आप सबके पूरा परिवार के एक एक लोग के कहानी बा और ये फिल्म करुआ सब आके देखी और आशीर्वाद प्यार दुलार दी, बहुत अच्छा लगी और बहुत अच्छा कुछ करे की कोशिश कैले बानी और मुंबई से बहुत दिग्गज कलाकार के आदमी बुला के लेके आई ले से कि
ये गोपालगंज की धरती पे चली कुछ अच्छा करी। और आप सब बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार देले बनी, आप सबके दिल से हार्दिक अभिनंदन करता नी, नंदन अभिनंदन सब बा करजोरी बा का बोली जितना बोले कम आशीर्वाद प्यार दुलार से। ए राजा ढेर बहकावो न हो, दिल के बेचैनी बढ़ावो न हो, बहिया में धरो न किस बीच परन, बिगड़त मन बुदबुदावो न हो। बहुत अच्छा गाना था, जो भी है दिल बाबू ने गाना गाया है बहुत अच्छा गाया है। और बाकी सब गाना आप लोगों को मिलेगा, अभी पूरा नहीं सुना सकता हूँ।